नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न भर्तियों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कोई भी जानकारी हो संक्षिप्त में विस्तृत रूप से देने का प्रयास किया जाता है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2018 के बारे में। कुल पदों की संख्या 49,568। अभी अभी की बड़ी खबर है कि जुगाड़ करने वालों का खेल खत्म, क्योंकि 49,568 पुलिस भर्ती में नया नियम लागू किया गया है। वह नया नियम क्या है, आइए इसके बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। लेकिन आप सभी को मालूम होगा कि भ्रष्टाचार चरम पर है और कई लोग 49,568 पुलिस भर्ती में पकड़े भी गए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दी है। अब आइए जान लेते हैं कि 49,568 पुलिस भर्ती में कौन सा नया नियम लगाया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि हर एक जानकारी आपको सही और सटीक समय समय पर मिलती रहे। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुलिस भर्ती परीक्षा में अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को अब नौकरी ज्वाइन करते समय भी फिंगरप्रिंट मिलान कराना होगा। भर्ती बोर्ड ने फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए यह व्यवस्था लागू की है। अभी लिखित परीक्षा से लेकर शारीरिक दक्षता परीक्षा तक 4 बार फिंगरप्रिंट सत्यापन होता है। अब इसकी संख्या बढ़कर 5 हो जाएगी। फिंगरप्रिंट सत्यापन को लेकर बोर्ड के सामने कई बार दिक्कत भी आती है। ऐसा तब होता है जब किसी अभ्यर्थी की अंगुली में चोट आई होती है या कोई महिला अभ्यर्थी हाथ व अंगुली में मेहंदी लगाए हुए होती है। बोर्ड के अध्यक्ष आर के विश्वकर्मा ने माना कि कई बार फिंगरप्रिंट सत्यापन में दिक्कत आती है, ऐसे में अभ्यर्थी की फोटो व अन्य साक्ष्यों का मिलान किया जाता है। बोर्ड के अध्यक्ष आर के विश्वकर्मा ने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने से किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो जाएगी। इससे कोई भी भर्ती होगी पारदर्शिता से होगी। कोई भी ऐसा अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएगा या ज्वाइन नहीं कर पाएगा कि जिसने गलत तरीके से भर्ती में प्रवेश लिया हो। तो नई व्यवस्था यही है कि आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो आपके फिंगरप्रिंट का मिलान होगा। आगे जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। आप हमारे साथ बने रहें इसी प्रकार की जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।